बड़ी ब्रेकिंग जो सामने आ रही है। कंगना रनौत का विक्रमादित्य को जवाब कि ना ही मैं बीफ खाती हूं और ना ही रेड मीट, कंगना मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो कंगना ने कहा है, विक्रमादित्य सिंह ने कंगना पर किया था कमेंट कि बीफ खाने वाले चुनाव लड़ें, यह है चिंता की बात। तो हिमाचल में लोकसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। विक्रमादित्य सिंह ने कंगना पर कमेंट किया था कि बीफ खाने वाले चुनाव लड़ें, यह चिंता की बात है। अब उसी पर पलटवार करते हुए इसका जवाब दिया है कंगना रनौत ने। उन्होंने कहा है कि ना ही मैं बीफ खाती हूं और ना ही मीट खाती हूं। तो कंगना द्वारा ये जवाब दिया गया है कि ना ही मैं बीफ खाती हूं, ना ही कोई मीट, मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो मंडी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रही है कंगना रनौत, तो पहली बार राजनीति में कदम रखने जा रही हैं, तो सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। तो इससे पहले भी कई बार बयानबाजी उनके खिलाफ हुई है, कंगना के खिलाफ। तो इस बार विक्रमादित्य सिंह ने कहा था, उन्होंने कमेंट किया था कंगना रनौत पर कि विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बीफ खाने वाले चुनाव लड़ेंगे, है चिंता की बात है। तो इस पर ही पलटवार करते हुए कंगना ने जवाब दिया है कि ना ही मैं बीफ खाती हूं, ना ही रेड मीट, मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। सो ट्वीट किया है कंगना रनौत ने। तो दोनों के बीच में ट्विटर पर लड़ाई साफ देखी जा सकती है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, कमेंटबाजी जो कि जो लगातार जारी है। बता दें कि मंडी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही है कंगना रनौत। तो मंडी सीट जो है काफी हॉट सीट मानी जाती है, सो वहां से कंगना रनौत चुनाव लड़ रही है लोकसभा का। तो इसी को लेकर अब सियासी बयानबाजी शुरू है, सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। सो विक्रमादित्य सिंह ने कमेंट कसा था कि बीफ खाने वाले अब चुनाव लड़ें, यह चिंता की बात है। तो उसी पर कंगना रनौत ने भी जवाब दिया है, उन्होंने भी ट्वीट कर कहा है कि ना ही मैं कोई बीफ खाती हूं, ना ही कोई मीट खाती हूं। उन्होंने कहा कि मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा था कि गौ मांस खाने वाले, बीफ खाने वाले चुनाव लड़े तो हमारी संस्कृति के खिलाफ है। उन्होंने कहा था कि हिमाचल देवी देवताओं का पवित्र स्थल है, देवभूमि, जहां गौ मांस खाने वाले चुनाव लड़े हैं, चिंता की बात है। सो इसी पर अब कंगना रनौत ने जवाब दिया है। बता दें कि विक्रमादित्य सिंह ने पहले तंज कसा, कमेंट करा कंगना रनौत पर, अब उसके बाद कंगना ने भी जवाब दिया है। कंगना ने भी कहा कि ना ही मैं बीफ खाती हूं और ना ही रेड मीट, मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी कंगना के ऊपर कई तरह की जो कमेंटबाजी हुई थी, तो उसी के चलते लगातार जो सियासी कमेंटबाजी है वो अभी भी जारी है। लोकसभा चुनाव से पहले सो क्या कुछ कहना है आपका, सो आगे और क्या क्या देखने को मिल सकता है, क्योंकि पहले भी कंगना के ऊपर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही थी, जैसे कि कांग्रेस के नेताओं ने कहा था, और अब विक्रमादित्य सिंह ने भी कहा कि अब गौ मांस खाने वाले चुनाव लड़ेंगे तो ये बेहद चिंता की बात है। उसी पर जो कि कंगना ने भी जवाब दिया है कि मैं ना ही कोई बीफ खाती हूं, ना ही कोई रेड मीट। सो ये सियासी कमेंटबाजी जारी है जी अनुराग। देखिए, सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें ओवरऑल, अगर हिमाचल में पूरी अगर हम एक हॉट सीट की बात करें तो वो केवल और केवल मंडी की सीट है, क्योंकि सबसे बड़ी बात अगर हम देखें कि राजा वीरभद्र सिंह का परिवार लगातार 9 बार में से 6 बार जो ऐसी है जो राजा वीरभद्र सिंह के परिवार के वास वो सीट रही है। दूसरी बात यह है कि किसी अभिनेत्री को अगर हिमाचल में पहली बार उतारा जा रहा है तो वो कंगना रनौत है। तो ये कुछ 3-4 मुद्दे ऐसे हैं जिसकी वजह से हिमाचल की जो ये सीट है, मंडी लोकसभा सीट, ये बहुत चर्चित रहने वाली है। दूसरी बात रही कंगना रनौत की, तो हालांकि बीजेपी ने अभिनेत्री को एक हिमाचल में एक चेहरा बनाकर उतारा है, तो इसके लिए बहुत से कयास और बहुत से लोगों को ये लगता है कि कंगना रनौत जो है वो बाहर से आई है। तो इस बारे में भी हमने लगातार बात की, उसमें भी हमें ऐसा लगा कि जबकि कंगना बोलती रही है कि हिमाचल जो है मेरा पहला घर है क्योंकि वो वहीं की पैदाइश है, तो इसलिए कंगना रनौत के लिए ये कहना, फिर उसके बाद इस तरह के तंज कसे जाने कि वो बीफ खाती हैं, हालांकि वो राजपूत परिवार से आती हैं, वेज और नॉन वेज की बात इसमें बिल्कुल सही है, परंतु जहां पर गौ मांस की बात आती है वहां पर कंगना रनौत ने बिल्कुल अभी अपने ट्वीट में क्लियर कर दिया है कि मैं बिल्कुल आज तक कभी गौ मांस नहीं खाया है
और ना मैं चाहती हूं, क्योंकि उनके पास अभी राजनीतिक सूझबूझ की थोड़ी ऐसा हो सकता है कि कमी है, क्योंकि वो सीधे किसी और उससे आई हैं और परिवेश से आई हैं। तो इसलिए कांग्रेस जो है इस बात को पूरा भुनाना चाहती है कि किस तरह से हो सके कि ये सीट को जो दोबारा हम अपने कब्जे में ले आए, क्योंकि अभी पिछले बार की बात करें तो रानी प्रतिभा सिंह इस पे थी, और रानी प्रतिभा सिंह के बाद अभी जो चुनाव में कयास लगाए जा रहे हैं वो विक्रमादित्य के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि कंगना रनौत के अगेंस्ट जो है वो विक्रमादित्य, क्योंकि अभी पिक्चर साफ नहीं हुई है कि विक्रमादित्य ही इसके चुनाव के दावेदार होंगे या रानी प्रतिभा सिंह या कोई और। तो अभी फिलहाल जो नाम आगे चल रहा है वो विक्रमादित्य का चल रहा है, इसलिए आपने लगातार देखा होगा कि विक्रमादित्य मुखर भी हैं। जिस दिन पहले दिन कंगना रनौत का नाम हिमाचल में सामने आया था, विक्रमादित्य ने उसी दिन पहले दिन ट्वीट कर दिया था, जो सन्नी देओल का एक लेटर उन्होंने दिखाया था, उसमें कहा था कि इस तरह के सांसद हमें नहीं चाहिए कि जो बाहर से आए और उसके बाद किसी और को जो है वो वहां की सीट देकर चले जाए कि मुझे काम है, और इस तरह की जो गर्मी है वो चुनावों के दौरान में लगभग सभी जगह देखने को मिलती है, परंतु हिमाचल में ये पहली बार हो रहा है। तो उसलिए अभी जो उठापटक है वो देखने को मिल रही है। अभी हालांकि नाम चारों सीट्स के कांग्रेस के अभी नाम नहीं आए हैं साहब, परंतु ये सरगर्मी जो है वो बढ़ने वाली लग रही है। हाँ, ये जरूर है कि मंडी में जो है वो सियासी पारा बिल्कुल अब जो है उफान पर है, और आम जनता भी इसमें जो है वो देखने में लग गई है कि किस तरह से किस चुनाव के पार्टिसिपेंट है उसको देना है। जी जी, सो कि भाजपा की तरफ से पहली बार जो कंगना रनौत हैं वो चुनाव में मतलब मैदान में उतरी हैं, तो लोगों का कितना समर्थन मिल रहा है अगर हम बात करें तो मंडी में? देखिए, अगर हम चुनावों की रैली की भीड़ की बात करें तो बहुत है, इसमें कोई दोहराय नहीं है, भीड़ बहुत ज्यादा है, परंतु वो अपने नेता को देखने आई है या अभिनेत्री को देखने आए हैं, ये बात जो है वो चुनावों में देखने को मिलेगी कि किस तरह से समीकरण बनते हैं। परंतु एक बात तय है कि ये राजा के परिवार की सीट है, और अगर हम 17 हलकों की बात करें, 17 हलकों में 12 हलके ऐसे हैं जो बीजेपी अपने कंट्रोल में रखती है। अगर आपने विधानसभा चुनाव में भी देखा होगा तो मंडी में सबसे ज्यादा सीट्स होती वो बीजेपी के पास थी, क्योंकि वो भाजपा का गढ़ है, परंतु भाजपा के गढ़ में जब भी हम लोकसभा की चुनाव की बात करते हैं तो भाजपा में सेंध लगाने वाली सिर्फ राजा परिवार है। और अगर हम 5 हलकों की बात करें, 17 में से 5 हलके ऐसे हैं, करसोग है, आनी है, किन्नौर है और रामपुर है, ये 4 जगहें ऐसी हैं जिससे पूरा का पूरा भाजपा का समीकरण जो है वो बिगड़ जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा जोर जो है बीजेपी जो है वो इस वक्त कंगना रनौत की सीट पर लगा रही है, और पूरा का पूरा जितना भी कुनबा है, आला जितने भी लोग हैं, आप बोले पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बात करें और दूसरे नेता जो हैं, वो सब वहां पर पूरी तरह से पूरी ताकत झुके हुए हैं। अनुराग ठाकुर जो है वो अपने कैंपेन में बिजी हैं, तो इसलिए बहुत सारा जो इनपुट है वो अभी कांगड़ा की तरफ लगाया जा रहा है। हालांकि शिमला का चिलो अंसी की अगर हम बात करें और हम कांगड़ा की बात करें, उसमें हमें इतनी गर्मी दिखाई नहीं दे रही जितनी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।